आई की जलाल की आई बला को ताल। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब यार? तो आप लोगों ने यार मुझे पिछली वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। पूरे के पूरे मेरे ना 65 व्यूज आए। चलो यार, इस वीडियो पे देख लेना, 65,000 व्यूज तो आने चाहिए, क्योंकि ये चैलेंज सबसे खतरनाक होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, मैंने फजर तक रात गुजारी, फजर की नमाज पढ़ के सोया, पूरी रात में जागा रहा, सोया नहीं था। तो वो इजी चैलेंज था, इतना मुश्किल नहीं था। उस पर मुझे एक और कमेंट आया कि तारिक ग्राउंड में रात गुजारो। मैं तारिक ग्राउंड में रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वहां रात को कुछ काम होते हैं। लेकिन एक सेकंड, रात को कुछ काम होते हैं मतलब रात को कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है वहां पर, और इसलिए करीब में एक और ग्राउंड है जो बिल्कुल सुनसान होता है रात को, और दरख्त होते हैं और कुत्ते होते हैं 15-20 बस। तो वहां थोड़ा मुश्किल होने वाला है मेरा ये चैलेंज। वहां मैं पूरी रात गुजारूंगा और भूतों भूतों की आवाजें आएंगी। पता नहीं चैलेंज पूरा कर पाऊंगा या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये चैलेंज पूरा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि चैलेंज पूरा करें। अब आप लोगों ने चैलेंज दिया तो पूरा तो करना पड़ेगा यार। तो इस वीडियो पे आप लोग मुझे सब प्यार दो और व्यूज ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, शेयर करो। प्यार दो का मतलब ये है कि यार वीडियो को शेयर करो, कुछ और मत समझ लेना। तो व्यूज आने चाहिए यार इस वीडियो पे। तो मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा रात को 12 बजे। मिलते हैं हम रात को 12 बजे। यार 11 बज चुके हैं और आपके भाई का चैलेंज स्टार्ट होगा 12 बजे। तो चलो रवाना होते हैं ग्राउंड की तरफ की। तो पहुंचते मुझे 12 बजे जाने, और यार ये चैलेंज ना सबसे खतरनाक होने वाला है। तो यार चैलेंज स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। चलो रवाना होते हैं ग्राउंड की तरफ। यार फाइनली आपका भाई ग्राउंड आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अभी 12 बज रहे हैं, मेरा चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। मैंने अभी ग्राउंड से बाहर नहीं जाना, पूरी रात यहीं रहना है सुबह 6 बजे तक। आप लोग ग्राउंड देखोगे ना, आप लोग बोलेगे यार रोमान पूरी रात कैसे गुजारी तूने ग्राउंड में। अब बस दुआ करो चैलेंज पूरा कर दूँ। आप लोगों से वादा किया है तो पूरा तो करना पड़ेगा यार ये चैलेंज। चलो मैं आपको ग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ। यार चैलेंज किसी भी हाल में पूरा करना है, और अभी 1 बजने वाला है, और मेरी ना अभी से बस समझ रहे हो हालत टाइट हुई है, इतना डर लग रहा है। एक तो एक फ्रेंड से कौवों की आवाजें आ रही है, डर लग रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है कोई पीछे खड़ा हुआ है, जैसे मैं पीछे देखता हूँ सेट हो जाते हैं। الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آيتو جلالتو آي بلا کو طالتو 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 یار بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، ہارٹ بھی بالکل فاسٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تم لوگوں نے چیلنج ایسا دیا ہے تو نبھانا تو پڑے گا یار، کیا کر سکتے ہیں यार। 1:30 बज चुके हैं और ये 1.5 घंटा मेरा बड़ा मुश्किल गुजरा है, क्योंकि डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। और ये तो शुक्र है कि अल्नूर की ना लाइटें ऑन रहती है पूरी रात, इसलिए मैं दिल को थोड़ा सुकून है। और मस्जिद भी है सामने तो उसकी भी लाइट ऑन रहती है, इसलिए सुकून है दिल को। और बस यार सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके से पूरा, और बस ये कुछ ही घंटे रह गए ये गुजारने मुझे। मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मैं कितना डर चुका हूँ। अब जितनी रात
घेरी हो रही है ना तो उतना डर ज्यादा लग रहा है। अंधेरा नहीं है इतना, लेकिन कोई है नहीं ना, बिल्कुल सुनसान है। इस चीज से डर लग रहा है, और ये पेड़ों पे कौवे पता नहीं क्या क्या इसकी आवाजें आ रही है ना, तो और ज्यादा डर लग रहा है। हालत टाइट हो रही है, बस दुआ करो चैलेंज पूरा कर पाऊं। कौन है? कौन है? यार आपका भाई ये वीडियो 2 दिन बाद कंटिन्यू कर रहा है, और आप लोगों ने नोट किया होगा जब मैं ग्राउंड में बैठा हुआ था रात के 2:30 बज रहे थे, जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दी गई थी। मैं डरा हूं, मैंने डायरेक्ट भागने लगा, और कैमरा मैंने भागते भागते ही बंद किया और सीधा घर आया। दिमाग मेरा सुन, घर आके सो गया भाई। उसके बाद जब अगले दिन उठा तो मेरे को बुखार हो गया था। फिर 2 दिन बाद अभी सेट हुआ तो मैंने कहा चलो यार वीडियो ही मुकम्मल कर ले। चैलेंज तो मुकम्मल कर नहीं पाए, लेकिन ये चैलेंज आपका भाई दोबारा करेगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इस चैलेंज को मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। अभी यार बहुत ही खतरनाक चैलेंज था मेरी लाइफ का ये। तो यार मैं अपने व्लॉग यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लव यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अल्लाह हाफिज़।